So, hey everyone, welcome to our session two. And again, I have got Abdullah with us. So, let's see how he has improved or what are the changes he could have, or probably one day is too less for that. But still, let's see. Okay, so beginning with our situational dialogues. So, Abdullah, I will display the dialogues and you will have to read them. Okay. Okay. Yeah. First person, I am running a temperature and I feel sick. Second person, since when have you been feeling like this? First person, it all started the day before yesterday. Second person, you seem to have picked up some sort of infection. First person, what do you think I should do? Second person, Stay away from work. I will Monday and don't till Monday overdo things. Till Monday and don't overdo things. Correct. So, इसका मतलब क्या है? What did you understand from this? मैं दौड़ रहा हूँ एक टेम्परेचर पर और I feel sick means आई एम रनिंग अ टेम्परेचर का मतलब मुझे बुखार है, टेम्परेचर है, बुखार है, एंड आई फील सिक, मेरा तबीयत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डाउन लग रहा है. ओके, सो सेकंड पर्सन का क्या है? सिंस व्हेन यू हैव बीन फीलिंग लाइक दिस, मतलब तुम क्या है? ऐसा कब से फील कर रहे हो? यस, नेक्स्ट. इट ऑल स्टार्टेड द डे बिफोर यस्टरडे, ये कल एक दिन से पहले से हो रहा है. परसों, कल यानी परसों. परसों. नेक्स्ट. यू सीम टू हैव पिक्ड अप सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब यू सीम टू हैव पिक्ड अप सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है. करेक्ट. नेक्स्ट. व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तुम्हें अब क्या करना चाहिए? वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है? वो लास्ट सेंटेंस. स्टे अवे फ्रॉम वर्क टिल मंडे एंड डोंट ओवरडू थिंग्स, मतलब तुम्हें मंडे तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए. और एंड डोंट और अगर किसी का तबीयत अच्छा नहीं है तो आप यही बोलेंगे ना कि चुपचाप मुंह बंद करके सो जाओ, कुछ काम मत कर. यही बोल रहा है कि डोंट ओवरडू, मतलब कोई भी काम ज्यादा मत कर. जो जरूरी काम है, बैठ के खाना है तो उसके लिए आपको बेड से उठना पड़ेगा. ऐसे कई कई चीजें के लिए आपको जो करना है, जो बहुत नेसेसरी है, सिर्फ वही कर लो, उसके ज्यादा कुछ भी मत कियो. एनीवेज, गुड वर्क. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशनल डायलॉग. ये ना एक्चुअली एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में एक कॉन्वर्जेशन है. सो फर्स्ट पर्सन पेशेंट है और यहाँ पे सेकेंड पर्सन डॉक्टर है. तो नेक्स्ट वन. फर्स्ट पर्सन, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? सेकंड पर्सन, ओनली इफ इट्स नॉट टू मच ट्रबल. फर्स्ट पर्सन, डू यू लाइक इट विद मिल्क एंड शुगर? सेकंड पर्सन, नॉट टू मच मिल्क And just half a spoonful, please. तो इसका मतलब क्या है? Correct. What's the meaning? क्या तुम एक कप चाय पीना चाहोगे? एक कप नहीं पूछते हैं, क्या ये एक कप का चाय लूंगे? लूंगे. Shall I give you a cup of tea? So उसको है. Next. And only if it's not too much trouble. Trouble means I don't know. ज्यादा तकलीफ नहीं है तो मैं लेता हूँ, अगर तकलीफ है तो नहीं, रहने दीजिए. वही मतलब है उसका. नेक्स्ट. Do you like it with milk and sugar? क्या तुम इसे दूध और शुगर के साथ पीना पसंद करोगे? मतलब ये यही पूछ रहे हैं कि आपको ब्लैक टी पसंद है या फिर मिल्क टी पसंद है और उसमें शुगर डालना है कि नहीं. नेक्स्ट. Not too much milk and just half a spoon, please. ज़्यादा मिल्क नहीं और हाफ सिर्फ हाफ स्पून.
ये जस्ट हाफ अ स्पूनफुल क्या होता है? स्पूनफुल, हाफ हाफ चम्मच, हाँ, आधा हाफ चम्मच चम्मच, क्या? हाफ चम्मच दूध, हाफ चम्मच कुछ और? यहाँ पे पूछा है कि मिल्क एंड शुगर, सो हाफ चम्मच शुगर ही होगा। सिर्फ चीनी हाफ चम्मच में बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे चाय में हम हाफ स्पून यानी आधा चम्मच दूध डालेंगे, ये तो नहीं बोल सकते। सो हाफ स्पून ऑफ शुगर। ये दो फ्रेंड्स के बीच में एक कॉन्वर्जेशन है, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से टी के लिए, जब वो दूसरा फ्रेंड सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के घर आए हैं टी के टाइम पे, सो फर्स्ट पर्सन उनसे उसके फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या मैं कप चाय लूँ तेरे लिए भी। वैसे ओके ओके, सो ग्रेट, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो आज का एक स्पेशलिटी या सरप्राइज है, कैन यू ट्रांसलेट? वी विल बी गिविंग यू थ्री सेंटेंसेस, और आप उसको पढ़ के समझ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश सेंटेंस आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देगा, तीन सेंटेंसेस है, एक एक करके आपको उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है? ओके, फर्स्ट सेंटेंस आप इंग्लिश में पढ़िए, फिर उसको समझ के ट्रांसलेट करके बताइए हिंदी में। पेर्डन पेर्डन, आई डिडंट हियर यू प्रॉपरली, पेर्डन नहीं, पेर्डन पार्डन पार्डन, पार्डन। पार्डन, आई डिडंट हियर यू प्रॉपरली, यहाँ पे पार्डन, मैंने पार्डन के तुम्हें बाद, पार्डन के बाद यहाँ पे एक कॉमा है, मतलब हाफ पॉज। सो पार्डन, पॉज, आई डिडंट हियर यू प्रॉपरली। पार्डन, आई डिडंट हियर यू प्रॉपरली, पार्डन, मैं तुम्हें सही से नहीं सुन पा रहा था, पार्डन, ये पार्डन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माफ कीजिए, माफ पार्डन का मतलब कीजिए, माफ कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया आपने जो कहा। मैंने नाम समझा। ग्रेट, सो नेक्स्ट सेंटेंस। आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। वेरी गुड, द लास्ट वन। कुड यू गिव मी एक एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते थे, दे सकते हो, कुड यू गिव दे मी, सकते तो दे हो? सकते हो या फिर हाँ दे सकते हो, दैट इज करेक्ट। ओके, सो ग्रेट वर्क, यू हैव डन समथिंग रियली गुड टुडे, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कॉन्वर्जेशन टाइम। सो कल का हमारा क्या कॉन्वर्जेशन था? आप मुझसे मैथमेटिक्स का असाइनमेंट ले रहे हो, ओके? सो आज हम वही कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस के साथ, ओके? सो ऐसा एक सीन हुआ है कि आपने मैथमेटिक्स के टीचर के कैबिन में गए थे, और वहाँ पे एक फ्लावर के एक वॉस था, मैडम नहीं थे, आई मीन फैकल्टी नहीं था, नहीं थे वहाँ पे कैबिन में, और उस वक्त आपने अंदर गए थे और वहाँ पे एक फ्लावर का एक वॉस था, तो आपने उसको तोड़ दिया गलती से, ओके? आपके हाथ से या टेबल से वो गिर गया गलती से, और आपका ना असाइनमेंट का डेडलाइन भी आ गया है, आपको सबमिट करना था पर आपने सबमिट नहीं किया, और आपने ये एक फ्लावर वास को भी आपने तोड़ दिया। ओके, सो यू हैव ब्रोकन द फ्लावर वास, एंड यू आर कमिंग टू मी टू जस्ट रिक्वेस्ट द टीचर, लाइक टीचर को बोलने के लिए कि सॉरी अब्दुल्ला ने ऐसे वास को तोड़ दिया है, पर गलती से हुआ है, थोड़ा कवर करने के लिए आप मुझसे हेल्प मांग रहे। सो लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, यू कैन Now you स्टार्ट। are friend or teacher? आई एम योर फ्रेंड एंड देर इज अ टीचर। Hey Pooja, today I was going to Madam Kevin's and I broken flower flask. फ्लावर वॉस What? Flower was. वॉस हाउ डिड यू ब्रेक इट? It happened by mistake. इट हैपेंड बाय मिस्टेक, तो बताइए, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। Happened by mistake. When I bring my blue book, that time my hand touched in floor works and it broke, that broke. When I went to take my blue book,
माई हैंड टच्ड द वॉश एंड इट फेल डाउन. So you can repeat that once again. When I take my blue book When and I my went to hand touch, take, or when I took my blue book. when I took my blue book, my hand touched the Was floor walls touched the was, and it fell down. it fell down. In वो fact, गिर गया, वो it गिर fell रहा down. है नहीं ना, वो गिर गया, so it fell down. It fell down. So wasn't ma'am available in the cabin? मैडम नहीं थी क्या कैबिन में? No, that time ma'am was not available. Then why did you enter into her cabin at that time when she was not there? I was going to bring my blue book because I I have had not to get completed my my blue book. assignment. I had to get I my had blue to book. I hadn't completed my assignment. I had to my blue book. I had I get to my blue book. had to get. I had to get my blue book because I didn't complete my assignment. So the deadline was over, right? Yeah. So is ma'am aware that you broke her voice? What? मैम को पता है क्या कि आपने उसका फ्लावर वॉस को तोड़ दिया है? No, ma'am, don't know about it. Then at least go and tell her. Yeah, because तब बताइए कि that is why I have come to you. I need your help. that's why I come to you and I need your help. Could you help me? I cannot guarantee how, or I cannot assure you how ma'am will react, but I can just put the matter in a more better way. Okay, so continue, Kiji. That's why I come to you. I can just try, but I cannot assure you of anything. You can end the conversation. Okay, बोल के आप एंड कर सकते हो. Okay. Okay, so thank you so much, Abdullah. It was a great conversation. Thank you. बहुत अच्छा था आज. आपने actually आपने बहुत कुछ improve किया है. I'm really happy about it. और रोज ऐसे करते जाइए ताकि आप और भी इम्प्रूव कर सकें. और कल एक नया वर्ड के साथ ही आना है, वरना तो आपके लिए मैं सेशन ही ओके नहीं लूंगी. ओके, सो मीट यू ओके टुमारो विद अ न्यू वर्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. थैंक यू.